अस्सलाम वालेकुम। ये आज का मेरा 9th लेक्चर है। कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा था, आज हमने उसकी एक्सरसाइज पढ़नी है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ कि चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा था। 8 कंसोनेंट्स पढ़े थे जो कि थे फॉरवर्ड स्ट्रोक्स, ठीक है, और जी और एन जी के अलावा बाकी सारे स्ट्रोक्स जो थे वो लाइट में थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि के जा का जो स्ट्रोक है वो कम की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, जी का जो है वो गिव या गिवन की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, एम का जो है वो हिम की शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, एन जी वाला थिंक की वो शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, और एल वाला जो है वो लॉर्ड की, और डब्ल्यू वाला वी की। ये पांच छः हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई थी कि जब वावल जो है स्ट्रोक से पहले आता है तो हम लोग वावल का साइन ऊपर लगाते हैं, और अगर स्ट्रोक के बाद वावल आता है तो फिर हम साइन जो है वो नीचे लगाते हैं, ठीक है, ये भी कंफर्म है आपको। अच्छा, नेक्स्ट पे थोड़ी सी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी थी, जैसे कि एग हो गया, जी का स्ट्रोक लिख के उसके साथ लाइट डॉट लगा देंगे एग, इस तरह सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी। फिर हमने थोड़ा सा फ्रेज में डिस्कस किया था कि इन अ फ्रेज द स्ट्रोक एल इज यूज टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल, कि जब हम फ्रेज फ्रेज में टू वर्ड्स को जोड़ेंगे, एल का स्ट्रोक जोड़ेंगे, तो वहाँ पे उसका मतलब विल होगा, ठीक है। जैसे कि है इट विल, इट का स्ट्रोक, फिर एल का स्ट्रोक लगा दिया तो इट विल, जे का स्ट्रोक विच, एल का स्ट्रोक लगा दिया विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 6। मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 5 करवा देती हूँ, 4 और 6 आप लोगों ने खुद करनी है। पहले इसको समझना है कि ये लिखा हुआ क्या है, ठीक है, फिर जब लिखा हुआ आप लोगों को समझ आ जाए तो उसके बाद आप लोगों ने ज़ुबानी बुक बंद करके ज़ुबानी आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 5 करवा देती हूँ। फर्स्ट पे है, अब ये वी का स्ट्रोक लगा हुआ है सिंपल, तो इसका क्या मतलब हो गया, हैव। साथ में ये डब्ल्यू का लगा हुआ है, कोई वावल साइन कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये एज अ शॉर्ट फॉर्म यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हैव वी। फिर पी का स्ट्रोक है, देन डी का स्ट्रोक, साथ में डी का टिक, पी के साथ हैवी डॉट लगा हुआ है, मतलब ये ए की लॉन्ग ए की साउंड है, तो ये बन गया हैव वी पेड दी डेट डी, उसके बाद टी का स्ट्रोक और साथ में लाइट सा टिक, शॉर्ट ई का साउंड, ठीक है, हैव वी पेड दी डेट। सेकंड पे है वी हैव, ये जो हमने पढ़ा है ना हैव वी, अब ये चीज है लेकिन वी पहले आ गया और हैव बाद में आ गया, ठीक है, वी हैव। अब ये देखें सिंपल जी का स्ट्रोक लगा हुआ है, जी के लिए हम लोगों ने प्यार था गिव या गिवन, एज अ गिवन यूज होगा, तो अब ये थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात होती है कि गिव लगेगा या गिवन आएगा, तो हैव के साथ जाहिर सी बात है अब गिव तो नहीं आ सकता, गिवन ही आएगा, तो इसलिए वी हैव गिवन हिम, ये भी शॉर्ट फॉर्म है एम की, वी हैव गिवन हिम, डॉट है ऑन द लाइन, डॉट है इसका मतलब दी है, ठीक है, दी चेक, जे का स्ट्रोक, के का स्ट्रोक, के मतलब हाँ बिल्कुल ये सीधा, चेक
टू मेल, ठीक है, मेल टू देम टुडे, मेल टू देम टू डे, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, अब सिंपल ये स्ट्रोक लगा हुआ है इश का। पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था ये इश का स्ट्रोक इस तरह से होता है। तो इश के लिए, इश का जो स्ट्रोक है वो शेल के लिए भी यूज होता है, शेल की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये शेल के लिए यूज हो रहा है। शेल वी टेक दी, टी के, शेल वी टेक दी मेल टू दी बोट। यहाँ पे हैवी डैश लगी हुई है, सेकंड प्लेस पे हैवी डैश लगी हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये लॉन्ग ओ की साउंड है, बोट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब फोर्थ पे है वी शेल, ओके, वी शेल एम, एम से पहले वावल साउंड आ रहा है लॉन्ग ए का, तो ये एम बन गया, ठीक है। वी शेल एम टू चेंज दी नेम, एन का स्ट्रोक, एम का स्ट्रोक, नेम, एन के बाद ए की साउंड आ रही है, तो हम लोगों ने सेकंड प्लेस पे डॉट लगा दिया। वी शेल एम टू चेंज दी नेम, फुल स्टॉप। फिफ्थ है हमारे पास वी नो। अब देखिए नो की स्पेलिंग अगर देखे जाए तो KNOW नो है, लेकिन क्या कहा था कि स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, साउंड पे फोकस करना, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एन का स्ट्रोक होगा, साथ में हैवी डैश लगा दी लॉन्ग ओ के लिए। वी नो, ठीक है, वी नो दे विल कम टुडे, वी नो दे विल कम टुडे, फुल स्टॉप। नंबर सिक्स पे है दे विल, दी का साइन स्ट्रोक, साथ में वावल का साइन, ठीक है। दे विल टेक दी, टी और के का स्ट्रोक, टेक साथ में दी का टिक। दे विल टेक दी लंच, अभी लंच लिखा हुआ है, एल का स्ट्रोक, एन का स्ट्रोक और जे का स्ट्रोक, लंच। एल यू एन के बीच में हमें एक शार्ट सी यू की साउंड नहीं दे रही है, शार्ट यू की, तो हम लोगों ने लाइट डैश लगा दिया, ठीक है। लंच टू दी लेक, एल साथ में ही के का स्ट्रोक, लेक, फुल स्टॉप। नंबर सेवन पे है, अब ये एक नाम आ गया है, ठीक है। नीचे हमारे पास टू डैशेस हैं, इसका मतलब ये है कि जब ये हम लोग इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखेंगे। तो ये नाम क्या बन रहा है, जे का है, साथ में ओ के लिए, लॉन्ग ओ के लिए साइन लगा हुआ है, डैश लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो नाम है, ठीक है। जो लेट दी, जो लेट दी वे टू दी लेक कामा, बट, अब ये बट है, ठीक है, बट दे से इट वाज, जी का स्ट्रोक जो है वो वाज के शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इट वाज टू, अब यहाँ पे ये डार्क लाइट लगी हुई ना, जो TOO वाला टू है, ठीक है, टू लो टू बात, फुल स्टॉप। नंबर एट है वाज दी मेल, वाज दी मेल
डिलेट, डी का स्ट्रोक, एल का स्ट्रोक, फिर डी का स्ट्रोक, डी 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 के बाद शार्ट साउंड, शार्ट ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे लाइट ई लाइट सॉरी लाइट डॉट लगा दिया, और एल के बाद हैवी डॉट लगा दिया, डिलेड। क्वेश्चन मार्क नंबर 9 पे है, इट विल बी गिवन टू हिम टुडे, फुल स्टॉप। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिए। अब काम वही है, आपका होमवर्क वही है, एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 5 जो है ये सॉरी 6, ये दोनों आप लोगों ने करनी है होमवर्क। दो दो दफ़ा इनकी प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे सेंड करना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए आसानी हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 6। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट हो गया है। हमारे 22 कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट प्लेस वावल्स को डिस्कस करना है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 को। ओके, अल्लाह हाफिज़।